हेलो यूट्यूब ऑडियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक स्टिचिंग के ऊपर वीडियो लेके आए हैं कि हम अपनी सूट की फिटिंग बिल्कुल सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा सूट लूज़ हो जाता है या टाइट हो जाता है, हम फिटिंग सही से नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल सटक तरीका भी बोल सकते हैं एंड आपको बिल्कुल सही तरीका मिलेगा सूट की सही फिटिंग करने का। तो इस फिटिंग के लिए आपको सबसे पहले जो सेंटर वाली लाइन होती है वो आपको अच्छे से विजिबल होनी चाहिए, सेंटर वाली लाइन। सो हमारे नेक के बीच में से जो सेंटर लाइन आ रही है, उससे बीच का पॉइंट रखते हुए हम अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे। सबसे पहले जो कटेट लगाए होते हैं हम लोगों ने कटिंग करने के दौरान, उसे मिला लीजिए एंड हमें अच्छे से पूरे कपड़े को सही कर लेना है। देख सकते हो ये वाली हमारी सेंटर लाइन है। अगर आपको सेंटर लाइन बनानी नहीं आती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आएंगे कि हमें अपनी शर्ट की या किसी भी चीज़ की सेंटर लाइन कैसे विजिबल करनी है। सो ये हमारी सेंटर लाइन हो गई एंड हमारी फिटिंग का हम जितना भी पार्ट होता है उससे जितना भी हाफ होगा, सपोज हमारी फिटिंग 20 है चेस्ट की, तो उसका जो 10 इंच, उसका हाफ सेंटर लाइन से लेते हुए हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा कस्टमर का जो कुर्ता है उसका 22 है चेस्ट, तो हमने 11 इंच सेंटर लाइन के इस तरफ निशान लगाया एंड 11 इंच ही हम इस तरफ निशान लगाएंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ आएगा ये वाला तरीका। बहुत ही इजी तरीका है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो यहाँ पे हमारी कमर का निशान लगेगा। सो ये हमारा है 10 इंचेस, मतलब 20 इंचेस से इसका हम हाफ इधर से लगाएंगे एंड हाफ उधर से लगाएंगे सेंटर लाइन से। सो जो है कट लगा हुआ है उसको हम सेंटर ले लेंगे। सो कट लगाने का यही फ़ायदा होता है कि हमें अपनी चेस्ट, वेस्ट एंड हिप सबका अलग अलग पता चल जाता है कि हमारा वो वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा। अगर आपको सूट की कटिंग में प्रॉब्लम आती है या आपको समझ नहीं आता तो आप हमें पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, जो रेड कलर का बटन है उसे दबाइए एंड आप सबसे पहले हमारी चैनल की जो न्यू वीडियोस आएंगे आपको सबसे पहले मिलेंगी। सो ये हमारा पॉइंट लग चुका है हिप का। इसके बाद जितने भी मार्क किए हुए पॉइंट हैं हम सिंपली उन सबको मिला लेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो अबाउट स्टिचिंग या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं। सो हम आपका रिप्लाई 101% ज़रूर देंगे। सो हम यहाँ पे रिकन्फर्म कर सकते हैं कि हमारी फिटिंग सेम उतनी ही है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। सो इसके बाद ये एक ट्रिक का बोल सकते हैं कि आप पेन से निशान लगा सकते हैं, क्योंकि चौक से कई बार क्या होता है कि हमारे जो निशान होता है वो मोटा हो जाता है एंड सिलाई के टाइम हमें पता नहीं चलता है कि हमें किस पॉइंट पे सिलाई लगानी है, क्योंकि चौक का निशान थोड़ा मोटा हो जाता है। तो पेन आप ऐसा यूज़ करिए जिसका दाग आसानी से चला जाए एंड कोई प्रॉब्लम ना आए आपके सूट के ऊपर, तो आप डॉट पेन यूज़ कर सकते हैं एंड सिलाई लगाते टाइम बहुत ही अच्छे से हमें पता चल जाता है कि हमारा पॉइंट कहाँ पे है एंड हमें किसके ऊपर सिलाई लगानी है। सो ये बिना कट की वीडियो है। कई लोग क्या करते हैं, कट के साथ वीडियोस बना देते हैं एंड कोई फास्ट फॉरवर्ड कर देता है तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्मूथ वीडियो रखी है, जैसी क्रिएट की है वैसी सेम रखी है, इसे वॉइस ओवर किया है। सो आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ आएगा। सो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट निशान लग चुका है।
अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा काट सकते हैं, जैसे आपको लगे कि ज़्यादा ही फालतू कपड़ा है। मैक्सिमम हमें 1.5 से 2 इंचेस फालतू कपड़ा रखना होता है। अगर उससे आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लगे तो आप हल्का हल्का कट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे शेप बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा कट किया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे जहाँ पे हमने मार्क किया था पेन के साथ। बट नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जैसे हमने मार्क किया था सेम टू सेम वैसे कपड़े को ऐसे रखते हुए जो हमारी पेन की निशान लगाई हुई लाइन थी हम उसके ऊपर सिंपली सिलाई लगा लेंगे। एंड सिलाई लगाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आई होप आपको समझ आएगा। हमें एंड पे जाके यहाँ पे 3-4 बार आगे पीछे करना होता है, सो डैट वहाँ पे हमारा पक्का धागा हो जाए एंड सिलाई बिल्कुल भी ना उधड़ सके। हमें यहाँ पे डबल सिलाई लगानी होती है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे, बट बीच में कोई भी कपड़े में उलझन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हमें कपड़ा प्लेन रखना है एंड सब जितनी भी ऊपर नीचे कपड़ा होगा उसे हम सब प्लेन कर लेंगे। इस तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा फिटिंग करने का तरीका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपको समझ आएगा। अगर आपको बाजू लगाने में प्रॉब्लम आती है या आपको बाजू के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पे मैं अपना शर्ट को सीधा कर लूँगा, कुर्ती को, एंड आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गुलाई से फिटिंग आई है। आज की वीडियो इतनी ही थी, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अगर आप किसी को स्टिचिंग दिखाना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। एंड इंस्टा पे तो फॉलो करना मत ही भूलना, इंस्टा की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल।